YouTube चैनल का लोगो कैसे बनाएं मोबाइल से। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाकर कैनवा नाम की एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सी लिखी हुई एप्लीकेशन है वो है हमारे पास कैनवा। यहाँ पर हमने पहले से ही कैनवा को इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए यहाँ पर ये अनइंस्टॉल शो हो रहा है। तो आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा, फिर आपको यहाँ पर ओपन पर क्लिक करना है इंस्टॉल करने के बाद में। ओके, ओपन करने पर आपका इस प्रकार कैनवा खुल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं थर्ड नंबर पर लोगो लिखा हुआ है। आप इस पर अपने YouTube चैनल के थंबनेल भी बना सकते हैं, Instagram पोस्ट बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, Facebook पोस्ट बना सकते हैं, Instagram रील्स का थंबनेल बना सकते हैं। तो यहाँ आप लोगो पर क्लिक कर दीजिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें तरह तरह के लोगो मिल रहे हैं। आपको यहाँ काफी सारे लोगों के डिजाइन मिल जाएंगे, और जो ये फ्री वाले हैं वो एकदम फ्री हैं, और जो प्रीमियम है आपको उनके लिए रुपए देने पड़ते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें तरह तरह के लोगो मिल जाते हैं। आपको जो भी पसंद हो आप उसमें कुछ सेटिंग्स कर अपनी मनपसंद कस्टमाइज कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम सिलेक्ट कर लेते हैं ये G1 हेयर सलून वाला। अब आप इसे एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो मान लीजिए हमें ये जो G1 लिखा हुआ है उसकी जगह कुछ और लिखना है, तो आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका कीबोर्ड खुल जाएगा। यहां पर आप अपना मनपसंद नाम लिख सकते हैं। मान लीजिए आपने लिखा टेक टिप्स, फिर आप इसे अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसी प्रकार आप हेयर सैलून जो नाम लिखा हुआ है यहाँ पर उसको भी चेंज कर सकते हैं। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, अपने कीबोर्ड से जो भी आपको नाम पसंद हो वो टाइप करना है, फिर आप इसे सेट कर सकते हैं एकदम क्लिक करके। तो यहाँ पर आप प्लस आइकॉन के आगे देखिए आपको काफी ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर आप जो बोल्ड कलर में बी लिखा हुआ है आप उस पर क्लिक कीजिए जो कि है फॉर्मेट। यहाँ पर हम अपने अक्षरों के नीचे अंडरलाइन लगा सकते हैं जो कि यू के नीचे लाइन है, उससे अपने अक्षरों को बड़ा कर सकते हैं जो कि ए दिया हुआ है उससे। फिर आप अपने अक्षरों को इस प्रकार सेट कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर प्लस के आइकॉन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको तरह तरह की फोटोज, स्टीकर, एलिमेंट काफी सारे मिल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें काफी एलिमेंट मिल जाते हैं। आप चाहें तो इसमें कुछ भी सर्च करके देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर आपको तरह तरह के आइकॉन फ्रेम्स मिल जाते हैं, यहाँ तक इमेजेस भी मिल जाती हैं, कुछ स्टीकर भी मिल जाते हैं। तो सिंपली हम इस इमेज पर क्लिक कर लेते हैं तो हम अपने लोगो पर आ चुके हैं। तो आप यहाँ से सेट करके देख सकते हैं क्या ये इमेज अच्छी लग रही है, नहीं तो आप कोई दूसरा आइकन ले सकते हैं। तो आप इस प्रकार सेट कर सकते हैं। तो ये सेट नहीं हो रही तो हम दूसरा कोई स्टीकर ले सकते हैं, तो इसको सेट करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये काफी अच्छा लग रहा है। फिर आप यहाँ पर सर्च बार में कुछ भी सर्च कर सकते हैं, जैसे कोई फ्रेम सर्च कर सकते हैं, स्क्वायर सर्च कर सकते हैं, राउंड सर्च कर सकते हैं, सरप्राइज सर्च कर सकते हैं, कुछ भी सर्च कर सकते हैं जो भी आपको लोगो बनाने के लिए चाहिए। तो हम यहाँ पर स्क्वायर सर्च कर रहे हैं। यहाँ पर आपको तरह तरह के स्क्वायर मिल जाएंगे, तो आप इस प्रकार इस स्क्वायर को सेट कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं हमारा लोगो काफी अच्छा लग रहा है। फिर आपको सिंपली इसे डाउनलोड कर लेना है, बस आपका लोगो तैयार है। आप इसे अपने YouTube चैनल पर लगा सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, थैंक्स स्टाइल।